जय श्री राधे। बिना किसी केमिकल, बिना पीतांबरी के सिर्फ 5 मिनट में गोपी चंदन से लड्डू गोपाल को चमकाएं। आज मैं आप सभी को बताऊंगी। बहुत से लोग पीतांबरी से भगवान को साफ़ करते हैं, पर हमें पीतांबरी से भगवान को साफ़ नहीं करना चाहिए। सबसे इजी है, गोपी चंदन लें और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। थोड़ा पानी ऐड करके इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाएं और अब लड्डू गोपाल के अंगों पर ये लगाएं। धीरे धीरे से रब करें, पूरे शरीर में इसका लेप करें, फिर धीरे धीरे से इस तरह से भगवान के स्त्री अंग को मलें। मलते जाएं, धीरे धीरे से मलते जाएं, बहुत ही आराम आराम से। देखिए मैं किस तरह से लड्डू गोपाल को मल रही हूँ। आप देखेंगे धीरे धीरे इनका रंग साफ हो रहा है। इनके जो माथे पर चंदन का निशान है वो भी आराम से मिट जाएगा। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। आप एक बार ज़रूर आजमा के देखें। देखिए साफ हो गया ना। आप एक बार इसको आजमा कर देखें। सिर्फ गोपी चंदन से आप अपने लड्डू गोपाल को चमका सकते हैं। बस उसके बाद थोड़ा जल से स्नान करा दें। ये देखिए अब सूखे कपड़े से इनको पोछें। आप देखिए इनके माथे पर जो निशान था वह भी चला गया और कितनी शाइन आ गई है। इसके बाद इनको वस्त्र पहनाएं। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल पहले से कितने ज़्यादा चमक गए हैं। अभी आप देखेंगे इनके फेस पर कितनी शाइन है। आप एक बार गोपी चंदन से अपने लड्डू गोपाल को साफ करके देखिए, आप पीतांबरी सब कुछ भूल जाएंगे। देखिए हाथ, देखिए हाथ की शाइनिंग, देखिए माथे की शाइनिंग, देखिए निशान चला गया चंदन का माथे पर।